कुरबाई के ग्राम पंचायत वीरपुर के रहवासियों ने कलेक्टर से की भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग। पूर्व सरपंच, प्रतिनिधि और सचिव पर कई हितग्राहियों के नाम पर योजनाओं की राशि हड़पने का आरोप। आज कुरबाई तहसील के ग्राम पंचायत वीरपुर के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि 2015 से लेकर 2022 तक सरपंच रही राम प्यारी बाई और उनके पति नीलम सिंह ने दर्जनों हितग्राहियों के खाते से शासन की विभिन्न योजनाओं का हवाला देकर राशि निकाल ली है, जबकि किसी भी हितग्राही के खेत पर या उनके नाम पर वास्तविक रूप से कोई काम नहीं हुआ है। कागजों पर दर्जनों काम बताकर हजारों लाखों रुपए की राशि निकाली गई है। ग्रामीणों ने बताया कि नए सचिव और सरपंच आने के बाद इसका खुलासा हुआ है। उन्होंने बैलेंस भी निकाली, जिसमें स्पष्ट रूप से इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। उन्होंने कलेक्टर को आवेदन देते हुए पूर्व सरपंच, उनके पति और सचिव पर कार्रवाई की मांग की है। वीरपुर ग्राम पंचायत तहसील कुरवाई जिला विदिशा से मैं आपके पास आया हूं। हमारे ग्राम वासियों के, हरिजन आदिवासी भाइयों के सरपंच सचिव ने मिलकर राशि निकाल ली है, जो खेत तालाब की राशि, खेत बंधन वाली राशि, जो कि हितग्राहियों को कोई मालूम नहीं है कि हमारे खेत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। सरपंच सचिव के नाम बताएं। सरपंच राम प्यारी बाई, प्रतिनिधि नीलम सिंह, दोबारा गरीब आदमी की राशि निकाल ली गई है। कब निकाली? ये 2020-21 में है। जब से आप क्या कर रहे थे? जब से हमें मालूम नहीं था, अभी हमारा नया सरपंच बना, उसी फिर ये पंचायत, फिर हमने वो लिस्ट निकलवाई, जब हमने देखा तो हमने सब भाइयों को बताया। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पैसे निकाले गए हैं? ऐसे 20-25 लोग हैं जो इनको पैसे निकाल लिए गए हैं और उनको मालूम भी नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है। कहाँ से आए हैं? और समझ से है सर, हमारे ये मेड़बंदी के पैसे निकाले गए डबरी के खेत के, हमारे लिए कोई पता नहीं है, पैगाम नहीं है, और 40,000 रुपए हमारे निकाल लिए गए। किसने निकाल लिया? ग्राम पंचायत सोनू सचिव और प्रतिनिधि नीलम सिंह। तो अभी ये सरपंच कहाँ पर है? अभी तो गांव का ही है, खेड़ी का ही है। अरे मतलब जैसे आप जिन सरपंच पे आरोप लगा रहे हैं, वो सरपंच अभी कहाँ पर है? गांव पर है उनके, पुराने सरपंच है। हाँ,